नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारत में विकास की चर्चा है क्योंकि देश को अगले 25 साल में विकासशील देश से विकसित देश बनना है। ये न सिर्फ अब सपना है बल्कि हकीकत बनाना है, क्योंकि ये हमारा प्रण है। हमारा अर्थात 135 करोड़ से अधिक के आवाम का सपना जो अब हकीकत बदलेगा, ये प्रण कर लिया है हर एक भारतीय ने। फिर सवाल यह है कि विकास हो तो कैसा, ये सवाल बहुत जरूरी है। और इस संदर्भ में संघ प्रमुख ने जो बातें कही हैं उस पर गौर किया जाना चाहिए या उसका विश्लेषण करना चाहिए, उस पर पूरे के पूरे चर्चा की गुंजाइश बनती है। और वो ये है कि विकास हो तो कैसा हो। संघ प्रमुख ने एक कार्यक्रम में जिसमें एक पुस्तक का वो विमोचन कर रहे थे, उसका नाम था कनेक्टिंग विद द महाभारत। और उस मौके पर संघ प्रमुख ने कहा कि हमें न तो रूस बनना है, न चीन बनना है, न अमेरिका। अगर हम यही बनना चाहते हैं तो ये नकल होगा, और नकल में हमेशा उपहास की गुंजाइश रहती है। भारत विकास के रास्ते पर बढ़ चुका है और उसके लिए जरूरी है कि हमें अपने गौरवपूर्ण अतीत को याद रखना चाहिए, इतिहास का विशद अध्ययन करना चाहिए, परंपराओं का सम्मान करना चाहिए और अपने पर पूरा भरोसा करना चाहिए। बात तो जरूरी है, लेकिन संघ प्रमुख ने ये सारी बातें जिस कॉन्टेक्स्ट में कही हैं और जो चर्चा होनी चाहिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से बताएंगे कि संघ प्रमुख ने क्या मुख्य बातें कही हैं। दुनिया में बस हिंदुत्व ही है जहां कर्तव्य और अधिकार के बीच संतुलन की बात कही गई है, ये संघ प्रमुख ने मुख्य बात कही है। यहां निर्माण के साथ आचार विचार का संतुलन है, ये संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कही है। जिस पर्यावरण की रक्षा के लिए दुनिया चिंतित है उसकी रक्षा हमारे व्यवहार में है, ये संघ प्रमुख ने कहा है। महाभारत युद्ध का इतिहास नहीं है बल्कि महाभारत में युद्ध है, ये बहुत समझने की बात है। ग्रंथ के माध्यम से इसलिए बताया गया है कि भविष्य में संहार ना हो, अर्थात डिस्ट्रक्शन ना हो, भविष्य में बेहतर दुनिया का निर्माण हो सके, ये महाभारत में बताया गया है, जिसे संघ प्रमुख ने बताने की कोशिश की। अंग्रेजों ने गलत इतिहास प्रस्तुत कर भारत के गौरवशाली अतीत को मिटाया है, इसीलिए अंग्रेजी शिक्षा पर ये बात उन्होंने कही है कि उसकी कितनी जरूरत है और उस पर कितना हमें सोचना चाहिए। हमारा इतिहास हजारों साल पुराना है, अंग्रेजों का इतिहास बस 4000 साल पुराना है, ये बात उन्होंने कहा। हमारा इतिहास इससे भी पुराना है, 5000 साल का सनातन का इतिहास, 8000 साल पहले महाभारत और रामायण की रचना हुई, ये संघ प्रमुख ने कहा। और महाभारत और रामायण के संदर्भ में उन्होंने ये कहा कि आधुनिक शिक्षा के नाम पर इसे कपोल कल्पित कहानी कहा जाता है, इसको हम सब ने स्वीकार किया, ये शायद बेहद गलत तरीका है ये स्वीकार करने का। श्रुति परंपरा के माध्यम से ये जनमानस में बनी रही, ये संघ प्रमुख ने बताने की कोशिश की। महाभारत की रचना करने वाले मुनि वेदव्यास को हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ की सत्ता का मोह नहीं था, ये संघ प्रमुख ने कहा और इस पर प्रकाश डाला। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं और इन बातों को हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, इसलिए उनके इतिहास लेखन पर संदेह का सवाल ही नहीं है, जबकि संदेह ही किया गया, इस पर सवाल ही उठाए गए। इसलिए जो पीढ़ी चली वो संदेह के दायरे में आ गई। वैसे भी तथ्य के बिना कोई भी कल्पना लंबे समय तक अस्तित्व में रह ही नहीं सकती, ये संघ प्रमुख ने कहा। हम प्राचीन गौरव लौटाने की ओर बढ़ रहे हैं, अर्थात संघ प्रमुख ने माना कि अब हम अपने प्राचीन और आधुनिकता इन सब को समाहित करके चल रहे हैं, ये हमारे विकास की सही रेखा है। महज पुस्तक को इतिहास कहना गलत है, इतिहास की परंपरा हमें समझनी चाहिए। असली इतिहास नदियां, पर्वत, ग्रंथ और महापुरुष होते हैं, ये संघ प्रमुख ने कहा है। प्राचीन गौरव के लिए हमें अपना स्व अर्थात खुद को ढूंढना चाहिए, ये संघ प्रमुख ने कहा है। जो सनातन की सोच है उस पर उन्होंने प्रकाश डाला है। हम चीन या अमेरिका की नकल कर प्राचीन गौरव हासिल नहीं कर सकते, ये उन्होंने याद दिलाया है, आगाह किया है देशवासियों को। कोई भी देश
अपने मूल चरित्र और मूल इतिहास के आधार पर ही खोया गौरव हासिल कर सकता है। जो भारत का अतीत रहा है वो गौरवशाली रहा है, गौरवमयी परंपरा रही है। परंपरा और आधुनिकता का समावेश और संश्लेषण विश्लेषण की इस प्रक्रिया से जिस रास्ते पर भारत अगले 25 साल बढ़ेगा वो भारत को विश्व गुरु बनाएगा, ये भी भरोसा उन्होंने जताया है। इस संदर्भ में उन्होंने ये महत्वपूर्ण बातें कही हैं। क्या अब हम इस पर चर्चा करें और हमें करना चाहिए, और अगर हम नहीं कर रहे हैं तो क्या ये भूल कर रहे हैं या नहीं, इसलिए हमने इस मुद्दे को उठाया है। हमारे साथ बीजेपी के जाने माने नेता और संघ को बहुत नज़दीक से समझने वाले गुलरेश शेख, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर अपनी टिप्पणियां करने के लिए जाने जाते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलरेश शेख जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एबी स्टार न्यूज में। संघ प्रमुख ने जो मुख्य बातें कही हैं उसको आपने देखा है, ग्राफिक्स के जरिए हमने बताने की भी कोशिश की है। क्या मायने हैं जो बात उन्होंने कही है, अब इस देश को इसे स्वीकार करना चाहिए या सिर्फ इस पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी ही करके रह जाना चाहिए? नहीं, देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि डॉक्टर मोहन भागवत जी जब भी कुछ कहते हैं तो उस बात में बहुत डेप्थ होती है और आप एक एक लाइन का एनालिसिस पे 10-10 लाइनें लिख सकते हैं। तो आप यदि अपने विश्लेषण करने बैठेंगे उन चीजों में तो उन्होंने बिल्कुल सच कहा कि हमको ना चाइना बनना है, ना रशिया बनना है, ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनना है, क्योंकि ये तो हम पहले से बन चुके हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चलिए मैं बहुत अतीत में भी नहीं जाता हूँ, मैं नियर अतीत में यदि जाता हूँ तो दुनिया का सबसे पहला सोशलिस्ट यदि कोई कहीं पैदा हुआ था तो वो हिंदुस्तान में था, जिसका नाम सम्राट अशोक था। आप अशोका को देखिए तो अशोका का पूरा जीवन कलिंग के बाद का वो सोशलिज्म में ही रहा है। तो हमको रूस का सोशलिज्म आयात करने की आवश्यकता नहीं। यदि आप कैपिटलिज्म की बात करें तो अंग्रेज जब भारत आया तो उससे पहले ग्लोबल जीडीपी में भारत का कंट्रीब्यूशन 23% था, 23%। तो उससे ज्यादा कैपिटलिज्म तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी कभी नहीं कर पाया। तो हम यदि हम बन जाए तो हम कैपिटलिज्म का समावेश हमारे पास है, सोशलिज्म का समावेश हमारे पास है। और दीनदयाल जी जो कहते थे अंत्योदय की कल्पना, अंत्योदय वही थे कि हम प्रोग्रेस भी करें लेकिन वो प्रोग्रेस जो हो वो पिछली पंक्ति का जो सबसे पिछला आदमी खड़ा है उसको ऊपर लाने का काम किया जाए। बाद में हमारे पास संस्कृति भी है, हमारे पास संस्कृति विरासत है, तो हम उसको भूले बिना भी नहीं रह सकते। दीनदयाल जी सब कहा करते थे कि मन का सुख बहुत जरूरी है, आत्मा का सुख बहुत जरूरी है। उसका उदाहरण देते थे, वो कहते थे कि एक व्यक्ति को आप खूब लग्जरियस जीवन दें, आप अच्छे अच्छे पकवान दें, दिन भर उसको खूब आप लग्जरी करवाएं और शाम को रोज सड़क पर ले जाकर दो झटकारे, तो क्या वो सुख हो पाएगा? आत्मसुख उसको नहीं मिल पाएगा। तो आत्मसुख भी आवश्यक है, हमको दुनियावी चीजें भी आवश्यक है, हमको साथ ही साथ जो अंतर मन का सुख आवश्यक है और आत्मा का विकास भी आवश्यक है। इन तीनों चीजों को मिलाकर हिंदुस्तान बनता है, भारत बनता है। तो भारत पश्चिम कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पश्चिम जो है वो केवल भौगोलिक चीजों में ही रहता है, उसके पास आत्मसुख नहीं होता। लेकिन हम ऐसा भी नहीं है कि केवल आत्मसुख की दिशा में जाते हैं। हम कहते हैं कि आप भौगोलिक वस्तुओं का सेवन भी करें, उनको आप संग्रहण भी करें और संग्रहण करके उसको समाज के लिए उपयोग करें। जब आप उसका संग्रहण करेंगे और उसका समाज के लिए उपयोग करेंगे तो फिर वो सबके लिए अच्छा होगा, वो सबके लिए लाभकारी होगा। तो वो सबके लिए लाभकारी होगा तो वो भारतीय होगा। विश्व बंधुत्व वसुधैव कुटुंबकम की बात भारत करता है, संघ प्रमुख ने बहुत बड़ी बात कही है। क्या वो कारण है कि हम अपने प्राचीन को याद करते हैं तो उसको इतने नीचे दृष्टि से देखते हैं, उसमें तो कुछ कथ ही नहीं पाते ये अंग्रेजों ने किया, क्योंकि हमारे गौरवमयी परंपरा और इतिहास में जो कुछ भी प्राचीन इतिहास में भारत के जो ताकत थी उसको नहीं दिखाया गया, इसके पीछे अंग्रेजों की बहुत बड़ी साजिश थी, उसको हमने कैरी ऑन किया। तो इससे अलग मैं थोड़ा सा आपसे इससे सहमति नहीं रखता कि अंग्रेजों की साजिश थी, उनकी वजह से सब कुछ, अंग्रेज ने साजिश की लेकिन फाइनली वो जो हुआ वो किया। तो आपने है ना हर चीज पे हम अंग्रेजों को दोषारोपण, मैं वही तो आगे सवाल करने जा रहा था, तो हमने क्या किया,
हमने इस बारे में अभी तक क्यों नहीं सोचा? इसे मानसिक बातों में आपको ऐसे दर्शा सकता हूँ कि आप जानते हैं कि मैं भू राजनीति का भी छात्र हूँ, तो यूरोप के लिए जो मिडिल ईस्ट है, मध्य पूर्व है, उसको हम मध्य पूर्व कहते हैं, जबकि हमारे लिए वो पश्चिम एशिया है। तो हम यूरोप को अनुसरण करने में उस हद तक दीवानगी तक पहुंच गए कि जो उनके लिए मध्य पूर्व है, जो हमारे लिए पश्चिम है, हम मानने लगे कि हमारा ही मध्य पूर्व वही है। तो उस मानसिकता से बाहर आने के लिए संघ प्रमुख जी कहते हैं, और आप ये भी देखिए कि मोदी जी भी बार बार कहते हैं जी, पंच प्रणों में गुलामी की मानसिकता से दूर होना, अर्थात शिक्षा व्यवस्था में भी कायाकल्प होना चाहिए, और प्राचीन इतिहास को गौरवमय इतिहास हम माने, ये देखना चाहिए। हालांकि कमियां सुधारने की गुंजाइश हर जगह रहती है। देखिए, कोई भी सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम अपने अतीत को भूल जाए, और हमारे अतीत देखेंगे तो दुनिया के ज्यादातर अतीतों से बहुत अच्छा रहा है, बहुत चमकदार रहा है। तो हम आधुनिक पथ पे आगे बढ़ना है, हमको कोई नहीं रोकता, कांग्रेस कभी नहीं रोकता, भाजपा कभी नहीं रोकती, हम तो आधुनिक पथ पर आगे बढ़ने वाले लोग हैं, प्रकृति में परिवर्तन का नियम है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इतने वर्षों की जो विरासत थी उसको छोड़ जाए। आप एक बात और बोलिए कि मानव जो प्रगति है वो सालों साल, मतलब कई कई हजारों सालों की इकट्ठा करी हुई पूंजी है। आप नई प्रगति करते जाएंगे और पुरानी विरासत को फेंकते जाएंगे पीछे, तो आपके पास नेट हासिल क्या हुआ? 100-200 साल की प्रगति। हम 100-200 साल की बात नहीं करते, हम हजारों साल की बात करते हैं। आपको तो नहीं, हजारों साल का जो है उसका स्मरण भी रखना है, उसको एकत्र भी करना है। लेकिन साथ ही साथ 400 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, 8 साल में 600 कर दिए गए। हम इसलिए गौरवमयी परंपरा को भूले क्योंकि आक्रमण का जो दौर चला उसका इतिहास आप कह सकते हैं कि 1000 साल का हो चुका है, और इसमें हमने सिर्फ ये पाया कि हम नई चीज और नए लोगों से मिलते तो गए, लेकिन जो हमारी पुरानी जो सनातन है उसको भूलते चले गए। और इसके बाद जब हम फिर आधुनिकता की राह पर बढ़ गए, अर्थात 1947 के बाद, तो हमने पाया कि हम सनातन हिंदुत्व की सोच, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, ये बहुत पिछड़ेपन का द्योतक है, ये सीमित दायरा है, यही तो हमें बताया गया, और इसी दायरे से बाहर निकलने को हमें आधुनिकता बताया गया। इस मानसिकता से, यही गुलामी की मानसिकता है, इस गुलामी की मानसिकता से निकलने के लिए संघ प्रमुख का एक आग्रह है, गुलरेज जी हमें क्या करना चाहिए? दो भाग हैं। पहला भाग तो आप ये कह रहे हैं कि इस ग्लास में पानी आधा है और आधा खाली है, तो देखने के दो तरीके हैं। आपको ये लिखता खाली है और आधा भरा हुआ है, इस दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। एक अभी भारत के लोग जापान नहीं बने, दक्षिण कोरिया नहीं बने, जिन्होंने अपनी विरासत को भुला दिया। आप देखिए कि 50-60 साल में जापान और दक्षिण कोरिया ने खूब प्रोग्रेस की, लेकिन आज उनका कल्चर जापानीज कल्चर और कोरियन कल्चर नहीं बचा, वो पश्चिमी कल्चर बन चुका है। लेकिन हिंदुस्तान के साथ वो चीज नहीं हुई। लेकिन बदकिस्मती से 1947 में जो लोग शासक वर्ग में आए वो पश्चिम से इतने मुतमईन थे कि वो अपने आप को पश्चिम का ही उत्तराधिकारी मानने लगे। लेकिन भारतीय मानस उसको स्वीकार नहीं कर रहा था, और जैसे ही उसका अवसर मिला उसने उनको फेंक दिया। आज आप देखिए ना कि उनको आप कचरे के डिब्बे में घुसे होते भी नहीं मिलेंगे। जी, तो आपको लगता है कि हम इस मानसिकता से आगे जाएंगे, क्योंकि अब आग्रह ये है, क्योंकि संघ प्रमुख ने आगे ये भी कहा किताब के विमोचन के बाद, इवन कि महाभारत का भी पूरा जिक्र किया उन्होंने, और इतिहास को जो याद दिलाई, और अभी आप सम्राट अशोक की बात कर रहे थे, इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ इसलिए ये बात मुझे बहुत जमी। मैं आपको बता दूँ कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, सिविक सेंस की बात करते हैं,
2500 साल पुराना सैंधव सभ्यता है। पच्चीस जी 2500 ईसा, माफ करिएगा जी, 2500 ईसा पूर्व ये सैंधव सभ्यता जो ऐतिहासिक प्रमाण है उसमें सड़कों का, नालियों की व्यवस्था, व्यापार की व्यवस्था, इस पर तो जी मैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जाता हूँ जी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो को देखे जी, तो पूरा के पूरा उसका ड्रेनेज सिस्टम था जी, उसमें पब्लिक टॉयलेट थे जी, पब्लिक बाथरूम हुआ करते थे जी, बाजार की कल्पना परिकल्पना थी। तो ये उस समय भी हमारे पास जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सोशलिज्म, बिल्कुल, जब राजा जो शासक वर्ग है जो कर कलेक्ट करता है उसका और उसका व्यय करे आम जन कल्याण के लिए, चाहे वो पेड़ लगवा कर अशोक ने किए थे, अशोक ने रास्ते बनवाए थे, हाईवे बनवाए थे, ये सब काम करना भारत के मानस में रहा है जी जी, और उसके जो प्रमाण है वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो में भी मिलते रहे हमको साफ साफ जी, जो अशोक के भी बहुत पहले की बात है। और बात वेद की ही कर लें गुलरे जी, तो उस वेद में शतम वर्षे जीवेत, 100 वर्ष के जीने की कल्पना है, तो ये स्वास्थ्य के प्रति, पर्यावरण के प्रति, प्राकृतिक संतुलन के प्रति जो हमारी सोच है वो वैदिक ऋचाओं में बाकायदा वर्णित है। और अथर्ववेद में आते आते हम अपने स्वास्थ्य को लेकर के, दवाओं को लेकर के, यहाँ तक कि ऑपरेशन थ्योरी को लेकर के भी कितने जागरूक हुए। चरक और सुश्रुत को देख लीजिए, यहाँ तक कि योग को देख लीजिए, इस पर तो हमें गर्व होना चाहिए, लेकिन हम गर्व नहीं कहते, वो पुरानी बात मान लेते हैं, हंसी का पात्र मनाते रहे। लेकिन अब भारत बदल गया है क्योंकि योग को पूरी दुनिया ने अपना लिया, और यही शायद वो संघ प्रमुख कहना चाहते थे कि भारत विकास के रास्ते पर बढ़ गया है और हमारे दृष्टिकोण को पूरी दुनिया समझ रही है, और प्रधानमंत्री भी प्रकारांतर से यही बात कहते हैं जी। गुल्ले जी कहते हैं, और अब जो सरकार है वो राष्ट्रवादी सरकार है, तो वो हर राष्ट्रीय प्रतीक को चमका कर उजागर कर रखने में विश्वास नहीं करती, उसको प्रचारित और प्रसारित करने में भरोसा करती है। तो आपने देखा कि चाहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात हो, चाहे प्राकृतिक औषधियों को ले जाना की बात हो, बाहर अभी एल्प इंडिया इन एल्प का कार्यक्रम चल रहा है, हम स्विट्जरलैंड में भी अपनी अपने संस्कृति को लेके जा रहे हैं और सरकारी स्तर को लेके जा रहे हैं। तो इसकी आवश्यकता थी, बृहस्पति से ये चीजों को बैकबर्नर पर रखा गया था उस समय का जो शासक वर्ग था उसके द्वारा, और उनमें कहीं ना कहीं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, वो अपने आप को नीचे समझते थे अंग्रेजों के समक्ष, तो वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जब शासक वर्ग में होगा तो फिर वो नीचे भी परकोलेट करता है, तो वो परकोलेशन जो था उसके सिम्टम्स थे। अब वो ऊपर जब हम जो कहते हैं ना कि हिंदुस्तान जो है वो ना आंख दिखाकर बात करना चाहता है, ना आंख झुकाकर बात करना चाहता है, आंख मिलाकर बात करना चाहता है, करता है। तो अब वो चीज एक आम जनमानस में भी आ चुकी है, राष्ट्रीय जो चेतना है उसका जागरण हो चुका। जी 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 गुलेज भाई, सवाल यह है कि अभी तक हमने अपने परंपरा को, प्राचीन इतिहास को भुलाने की कोशिश की क्योंकि आधुनिकता का यही पैमाना या मानदंड मान लिया गया था, हम अंग्रेजियों के गुलाम रहे, हमको उस गुलामी की मानसिकता में आगे बढ़ाया गया और आज़ादी के बाद भी हमने वही सब कुछ किया, इसलिए वो परंपरा का निर्वहन होता रहा। बदल चुका है निज़ाम और बदल चुका है भारत, और भारत की सोच भी बदल चुकी है, हमें अपनी ताकत पे आगे बढ़ना है क्योंकि ये हमने ठान लिया है और हम करके दिखा रहे हैं, दुनिया के हर एक मंच से भारत ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। एक सवाल बहुत मौजू है, आखिर में उनको चीन, रूस और अमेरिका की याद दिलानी क्यों पड़ी कि हमें इनकी तरह नहीं बनना है? क्या आपको लगता है कि इससे वो कहीं ना कहीं संदेह की दृष्टि से इस चीज को देख रहे हैं कि अभी भी हम उनका पीछा कर रहे हैं और उन्हीं की बराबरी करना चाहते हैं? देखिए अभी भी एक बहुत बड़ा वर्ग है, आप वामपंथी भी कह सकते हैं, आप इंडस्ट्री के हैं और आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बड़ी बड़ी पोजीशन पे काम किया है, तो और वो जो लोग होते हैं वो विचारों को प्रभाव करने की शक्ति रखते हैं, तो उनमें
में आज भी आप देखिए कि एक वामपंथी वर्ग बहुत बड़ा है, वो वामपंथियों का इंक्लिनेशन किस तरह से आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। उसी प्रकार से एक वो वर्ग भी है जो लुटियंस का वर्ग है, जो पूरी तरह से वेस्ट की तरफ देखता है, अमेरिका की तरफ देखता है, और वो हर हिंदुस्तानी चीज को नीचे दिखाने की कोशिश करता है। तो उन्हें दोनों की हमको प्रभावित नहीं होना है, न वाम पे होना है न पश्चिम का अंधा तो आग्रह यह है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ही भारत के अगले 25 साल का वो आईना होगा, जहां विकास भारत का होगा, भारतीयों के लिए होगा, भारत के द्वारा होगा, क्योंकि यह भारत का प्रण है। यही मूल मंत्र क्या संघ प्रमुख ने भी आगे बढ़ाया है? भारत बढ़ चुका है उस दिशा में और उसको और आगे बढ़ाना है, और वो काम जो है वो केवल संघ प्रमुख जी या मोदी जी का ही नहीं, हर किसी का है। आपका भी है, मेरा भी है, हर किसी का है। तो हर कोई अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह करे। लेकिन इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में विरोध के कुछ स्वर भी उठते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश है, हिंदुत्व इस देश की सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये संविधान के दायरे से अलग हो जाता है। एक बड़ा तबका है और आप समझ रहे हैं मेरा इशारा किस ओर है, कैसे समझाया जाएगा उन लोगों को? एक पॉलिटिकल तबका है और राजनीति का चरित्र होता है कि हम कुछ अच्छा भी करेंगे उसको बुरा बोला जाएगा। आप जैसे कि किसी भी सरकार में बजट आता है तो विपक्ष वाला हमेशा उसको बुरा ही बोलेगा। आपने कभी सुना कि विपक्ष ने अच्छा बोला? लेकिन फाइनली वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, ये एक लोकतंत्र है, कोई घरानाशाही नहीं है, राज्यशाही नहीं है, और जो हम कर रहे हैं वो सही है, तो जनता हमको आशीर्वाद देती है बार बार। बहुत बहुत धन्यवाद गुल्ले जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण बात की और उस महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डाला है जिस पे संघ प्रमुख का जोर रहा है, और ऐसा लगता है कि भारत ने जो प्रण किया है वो प्रण अब पूरा करेगा, क्योंकि भारत को अपने ताकत का पता चल चुका है। ये देश अब आगे बढ़ेगा, क्योंकि राष्ट्रवाद और विकास अब एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं और इसमें अब कहीं शक की कोई गुंजाइश रही ही नहीं। संघ प्रमुख ने जो कुछ भी कहा है उसके बड़े मायने हैं और ये देश उस राह पर चल चुका है, विकास और सब सुखी हों, निरोगी हों और एक दूसरे के साथ मिलकर के रहें, यही कामना के साथ मैं ये विशेष प्रोग्राम और जिसमें आपसे बातचीत की गुल्ले जी वो अब समाप्त करना चाहता हूं। लेकिन इतना भरोसा है कि अब ये राष्ट्र अपने प्रगति पर आगे बढ़ता रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। क्या आएंगी इस पर मुश्किलें और इन मुश्किलों का क्या करेगा समाधान ये देश और इसका आवाम, हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। इसलिए आप हमेशा एवी स्टार न्यूज़ देखते रहिए, क्योंकि यहाँ खबरों का और विश्लेषण का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।